की बात कर रहे हैं, वास्तव में 2-3% भ्रष्ट और शोषण करने वाला अपराधी टाइप का जो तबका है वही इनके साथ है, धूर्त और पाखंडी तबका इनके साथ है। इसलिए जनता में यह संदेश जा चुका है कि ये सरकार अपराधियों की सरकार है, ये अपराध भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्ट लोगों की सरकार हो रही है। इसलिए आम जनता, गरीब तबका, दलित तबका, ओबीसी तबका पूरी तरह से त्रस्त होके इस सरकार को उखाड़ना चाहता है, कुछ काम करवा सकें। पर अब जब उनका मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है, ये भी देख लिया है कि ये पूरी तरह से दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। हस्बैंड ने 50 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली, उसका बच्चा मर चुका था और बता नहीं सका अपनी बीवी को कि उसका बच्चा खत्म हो चुका है, अपनी गोद में डाल के जा रहा था वो। तो ये दृश्य जो है आज भी आंखों की आंखों में नमी ला देता है और आज भी करण आंखें जो हैं नम हो जाती हैं उन दृश्यों को हम कैसे भूल सकते हैं। हम ये समझते थे कि ये आदमी गरीब तबके से आया है और जनता की भावनाओं को समझता होगा, पर ये तो हम अब जो इतना समय देखने के बाद ये नज़र आता है कि ये तो उद्योगपति और पूंजीपतियों का पाला हुआ एजेंट है। इसके मन में किसी तरह की भावनाएं नहीं है। ये एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को हमने सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया है। ये इंसान है ही नहीं, इसके अंदर किसी इंसानियत भी नहीं है, इसके अंदर किसी तरह की हमें कहीं इंसानियत नजर ही नहीं आई इसके अंदर। भक्षकों को, धर्म को नाश करने वाले लोगों को, धर्म का पतन करने वाले लोगों को भी इनकी कुर्सी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी यथार्थ बात इन्होंने बोली है इनको, और स्वीकार भी किया है इन्होंने कि इनकी तरफ केवल 20% लोग हैं अब और 80% लोग इनके खिलाफ हैं। तो यही शायद वो कहना चाह रहे थे। मैं तो इसको इसी रूप में लेता हूँ कि देश की 80% जनता अब इनको हटाना चाह रही है और 80% तो इनका आकलन है। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ 10% है क्या? मेरे हिसाब से तो उस 20% में भी, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, चूंकि इनकी गाल बजाने की और चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की इनकी आदत है, उस 20% में भी सारा 20% इनके साथ नहीं है, उसमें से भी मुश्किल से 8-10% लोग इनके साथ हैं। तो ये इनकी बौखलाहट का ही प्रतीक है, जो संभवतः एक गलत भावनाएं, एक गलत संदेश लोगों को गुमराह करने का संदेश देना चाह रहे थे, पर जनता इस बात को समझ गई है कि वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि 80% लोग तो इनके खिलाफ हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और उसमें भी जिसे 20% अपनी तरफ ये कह रहे हैं, उसमें भी मुश्किल से 8-10% लोग इनके साथ हैं। अतः इनकी विदाई अब इस चुनाव में, आगामी चुनाव में निश्चित रूप से तय है। मैं इसको थोड़ा और आगे पूछना चाहूंगा, क्या जो 20% की बात कर रहे हैं, क्या वो ब्राह्मणों क्षत्रियों की बात कर रहे हैं क्या कि ये हमारे साथ हैं? क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, उनकी आबादी सिर्फ यही है, 12% है और 7-8% क्षत्रिय हैं। क्या इन्हीं की बात कर रहे हैं क्या? क्या देश का जो 80% आबादी वाला और है, क्या उसकी बात नहीं कर रहे? दलित की बात नहीं कर रहे, ओबीसी की बात नहीं कर रहे, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे क्या? इसके पहले भी पृष्ठभूमि में आप जाकर देखेंगे तो इन्होंने कभी भी देश के सभी वर्गों की बात नहीं की। ब्राह्मणवादी सरकार है क्या ये? मनुवादी विचारधारा की सरकार है क्या ये? निश्चित रूप से समाज के केवल एक वर्ग के लिए, कुछ ऊपर के जो वर्ग हैं पूंजीपति, उसमें भी, उस वर्ग में भी जो गरीब लोग हैं उनके साथ की सरकार नहीं है। एक बहुत छोटे से तबके 2-3% लोग, जिनको हम पूंजीपति और उद्योगपति कहते हैं, ये सरकार उनकी सरकार है। ना केवल एनकाउंटर तो एक बात है, समाज के हर, लगभग सभी समय में समाज के हर तबके का शोषण एक मुख्य वजह है इसकी। केवल वही लोग जो झूठे, फरेबी, मक्कार, धूर्त और पाखंडी टाइप के लोग हैं, वही सरकार में फायदा ले पा रहे हैं। आम आदमी जो किसी भी तबके का है, चाहे वो ब्राह्मण तबके का है, वो इस सरकार में त्रस्त है। उसमें भी कुछ किसान हैं, ब्राह्मण तबका है उसमें भी कुछ किसान हैं, ठाकुर तबका है उसमें भी किसान हैं। आखिर आवारा पशु खेत तो रात में उनके भी चर जाते हैं, दर्द तो उनको भी होता है, खेतों में रात को रखवाली तो उनको भी करनी पड़ती है। केवल इस नाम से कुछ अधिकारियों को और कुछ लुटेरे टाइप के लोगों को, षड्यंत्रकारियों को और भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को शरण देने से ही आम तबका खुश नहीं हो जाता। केवल ये 20% की बात कर रहे हैं, वास्तव में 2-3% भ्रष्ट और शोषण करने वाला अपराधी टाइप का जो तबका है वही इनके साथ है, धूर्त और पाखंडी तबका इनके साथ है। बाकी जनमानस, आम जनमानस अपना मन बना चुका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। अल्पसंख्यकों के प्रति भी इनके अपराध, इनके
शोषण लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बहुत देखा जाए तो ब्राह्मणों ब्राह्मण का भी इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, इसीलिए ब्राह्मण तबका भी बुरी तरह से इनसे नाराज है। और केवल ये बाबू साहब छत्री के लोग, छत्री समाज के लोग हैं क्या इनके? केवल छत्री समाज के लोग जो हैं वो इनके साथ हैं। जय श्री राम के नाम पर? नहीं, जय श्री राम के नाम पर नहीं है। हाँ। वो है बाबा योगी अजय सिंह बिष्ट के नाम से। हाँ। अजय सिंह बिष्ट के नाम से उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका ठाकुर मुख्यमंत्री हो जाने से, और ये बात जरूर है कि उन्होंने जातिवाद का एक पूरा परिचय दिया है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में एक ही जाति के DM हैं, एक ही जाति के SSP हैं, एक जाति के अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण है, और बाकी अगर अन्य जातियां हैं उनके खिलाफ शोषण की गतिविधियां लगातार प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से लगातार होती जा हो रही हैं। इसलिए आम जनता, गरीब तबका, दलित तबका, OBC तबका पूरी तरह से त्रस्त होके इस सरकार को उखाड़ना चाहता है। BJP के एक कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो BJP के नेता हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर के आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो OBC समाज से आते हैं। क्या लगता है OBC समाज के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्या उनका BJP से मोह भंग हो चुका, क्या आप समाजवादी में आ गए, भगदड़ मची हुई है क्या BJP? BJP के अंदर किसी भी OBC और दलित समाज के व्यक्ति की कोई जगह है ही नहीं। किसी तरह से उन्होंने चार पाँच साल इस उम्मीद में उन्होंने काट दिए कि संभवतः वे अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ काम करवा सकें, पर अब जब उनका मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है, ये भी देख लिया है कि ये पूरी तरह से दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, और केवल कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए इस सरकार से मोह भंग होना स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं चुनाव के दरमियान ही पार्टी से इस्तीफा देने का मतलब ये तो नहीं कि अगर पहले दे दिया होता तो हो सकता है ED और CBI का इस्तेमाल करके सरकार उनके खिलाफ छापे मार सकती थी? बिल्कुल, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस सरकार ने लगातार करती रही है। ये अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ में संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करती रही है, लगातार ED के छापे, CBI के छापे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका को भी किसी तरह से इन्होंने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है, चुनाव आयोग भी संदेह के दायरे में है। इसलिए भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नेता आने वाले समय में और भी बहुत सारे नेता इस पार्टी को छोड़ेंगे, पर अभी तक, अब चूंकि सही समय आ चुका है, अभी तक उसी प्रशासनिक दबाव में, उसी ED, इनकम टैक्स और उन्हीं संस्थाओं के दबाव में, CBI, उन्हीं संस्थाओं के दबाव में लोग कोई भी ऐसा निर्णय लेने से बच रहे थे। अब चूंकि चुनाव का समय है और ये भी दिख रहा है आचार संहिता लग चुकी है, तो अब ये निश्चित और दिखा हवाओं का प्रवाह भी नजर आ रहा है कि ये सरकार अब जा रही है, ये जहाज अब डूबने वाला है, और डूबते जहाज में अब कोई सवारी। क्या लगता है कोरोना काल में जो लाखों लोगों की मौतें हुई, गंगा में तैरती हुई लाशें, ये सब याद रखा जाएगा कि या भूल जाएंगे या ये भूल जाएंगे कि कॉरिडोर, उन्हें काशी कॉरिडोर बना दिया है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए लाखों की जो तादाद में जो लोग मारे गए कोरोना काल में, गंगा में तैरती हुई लाशें आपने देखी जो विचलित कर देने वाली थी, क्या ये सारी चीज़ें आपको भुला देंगी? क्या कैसे भूल जाएं उन लाखों लोगों को नंगे पैर सड़कों पर पैदल चलते हुए, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में किस तरह से पैदल चल रहे थे, भूखे प्यासे, न खाने का ठिकाना था, न पीने का ठिकाना था, न ये ठिकाना था कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। मन में एक आश थी कैसे भी कम से कम अपने गांव तक पहुंच जाएं, अपनी मिट्टी तक पहुंच जाएं, कम से कम ये भी अब भरोसा नहीं था कि कैसे हम जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे। इस सरकार उस भयानक अव्यवस्था के बीच में सरकार कहीं भी खड़ी नजर नहीं आई, सरकार कहीं उपस्थित ही नहीं रही, लगता ही नहीं था कि देश में उस समय कोई सरकार थी। उस करुण दृश्य को देखकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा भी नजर आया गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, सूट, ऐसे भी दृश्य सामने आए थे कि सूटकेस के ऊपर छोटे बच्चों को ट्रॉली की तरह खींचते हुए लोग हजारों किलोमीटर की मुंह डालकर ऑक्सीजन दे रही थी। ऐसे दृश्य देख एक भाव, एक छोटा सा किस्सा मेरे नजर मुझे स्मरण होता है। एक कपल अपने बच्चों को, दो छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए जा रहे थे। छोटा बच्चा जो शायद छह महीने का था, हस्बैंड ने 50 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली, उसका बच्चा मर चुका था और बता नहीं सका अपनी बीवी को कि उसका बच्चा खत्म हो चुका है, अपनी गोद में टांग के जा रहा था वो।
तो ये दृश्य जो है आज भी आंखों की आंखों में नमी ला देता है और आज भी करण आंखें जो हैं नम हो जाती हैं उन दृश्यों को हम कैसे भूल सकते हैं। ये बताते बताते आप भी भावुक हो गए, क्या प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजता क्या? दरअसल ये एक हम ये समझते थे कि ये आदमी गरीब तबके से आया है और जनता की भावनाओं को समझता होगा, पर ये तो हम अब जो इतना समय देखने के बाद ये नजर आता है कि ये तो उद्योगपति और पूंजीपतियों का पाला हुआ एजेंट है, इसके मन में किसी तरह की भावनाएं नहीं है। ये एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को हमने सामने सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया है, ये इंसान है ही नहीं, इसके अंदर किसी इंसानियत भी नहीं है, इसके अंदर किसी तरह की हमें कहीं इंसानियत नजर ही नहीं आई इसके अंदर। तो इसलिए अब जनता उससे भी बहुत ज्यादा रुष्ट है और ऐसी सरकार को भी उखाड़ फेंकना चाहती है। क्या जिस तरह से अगर देखा जाए, चाहे धर्म संसद का मामला हो, चाहे लिंचिंग हो, चाहे मुसलमानों की लगातार लिंचिंग हो रही हो, क्या ये तमाम चीजें किसी एक तबके को खुश करने के लिए है क्या? पूरी तरह शासन व्यवस्था में ये फेल हुए हैं, पूरी तरह शासन व्यवस्था में फेल हुए हैं। इस तरह की घटनाओं को कह के लोगों की भावनाओं को भड़का के ये पुनः सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उन्होंने छूट दी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। ये अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, हालांकि ये उनकी गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी खुशफहमी पाल रखी है कि इस तरह की घटनाओं को करके ये दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। एक और अभी घटना हुई, एक धर्म संसद नाम का आयोजन किया गया। मैं चूंकि धर्म में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, आस्थाओं का सम्मान करने वाला आदमी हूँ, मुझे याद आता है 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था, और उसके बाद दुनिया में हिंदू धर्म का एक डंका बज गया था, दुनिया को उन्होंने पहचान कराई हिंदू धर्म क्या है। अब जो धर्म सामने आ रहा है, अब जो धर्म संसद हो रही है, उसमें कालीचरण टाइप के व्यक्ति आते हैं, कहाँ अब तुलना करके हम देखते हैं कहाँ स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अब आते हैं कालीचरण जैसे सन्यासी, ऐसे आसाराम जैसे लोग, ये कालीचरण जैसे लोग धर्म संसद में जाके प्रवचन देते हैं। हिंदू धर्म का ह्रास है ये, हिंदू धर्म का पतन है ये, और ऐसे लोगों से मैं धर्म की रक्षा के लिए भी ऐसे लोगों को यहाँ से हटाने का आह्वान करता हूँ, आम जनता से आह्वान करता हूँ, इन धर्म के भक्षकों को, धर्म को नाश करने वाले लोगों को, धर्म का पतन करने वाले लोगों को भी इनकी कुर्सी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।